वर्ल्ड कप के दौरान हुआ बड़ा हादसा। 29 अक्टूबर को नीदरलैंड क्रिकेट खिलाड़ी बस दे लीड़े मरने से बचे। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट राइजिंग स्टार में आपका स्वागत है। वैसे क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, इस खेल में कभी भी कुछ भी हो जाता है। इसी तरह की एक बहुत ही गंभीर घटना हमने 29 अक्टूबर को देखी है, जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीफ रऊफ की 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद नीदरलैंड के खिलाड़ी की आंखों के पास लगी। नीदरलैंड की पारी के दौरान हारिस रऊफ छठे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की पांचवी गेंद पर रऊफ ने बाउंसर डाली। यह गेंद 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई थी। गेंद सीधे जाकर डी लीड के हेलमेट पर लगी। नीदरलैंड के बैटर बास डी लीड बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। वह बल्लेबाजी और फील्डिंग नहीं कर सके। इसके बाद नीदरलैंड के फिजियो भी दौड़ते हुए मैदान में पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि डी लीड की दाई आंख के नीचे गाल पर चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। इसके बाद आनन फानन में उन्हें डग आउट ले जाया गया और इलाज किया गया। वह फिर बल्लेबाजी नहीं कर सके, न ही फील्डिंग के वक्त वह मैदान पर आए। उनकी आंखों में सूजन थी और नीचे में चोट के निशान थे। हम सभी आशा करते हैं कि नीदरलैंड के खिलाड़ी डी लीड अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जल्द ही उपलब्ध होंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।